हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू केयर स्टाइलर्स ऑटो केयर ट्यूटोरियल सीरीज। सो फ्रेंड्स, आज हम डिजाइन करेंगे प्लमर ब्लॉक को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लमर ब्लॉक होता क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। सो प्लमर ब्लॉक को हम पिल्लो ब्लॉक भी बोलते हैं। तो प्लमर ब्लॉक होता क्या है? प्लमर ब्लॉक इज ए पेडेस्टल यूज्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ए रोटेटिंग शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ कंपेटिबल बियरिंग एंड अदर एक्सेसरीज। कंपेटिबल बियरिंग कौन सा हुआ? अगर मैं इसको स्टॉप करके बताऊँ तो मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। तो देखिए, ये पार्ट है जो हमारे पास, इसको कहते हैं बेरिंग, और ये हमारे पास अलग अलग एक्सेसरीज आ रही है, जैसे कि ये हमारे पास कैप है, ये हमारे पास कास्टिंग पार्ट है, ओके। और इसके बाद हमारे पास ये एक्सेसरीज आ रही है, नट्स आ रहे हैं, और ये हमारे पास बोल्ट है जिससे ये क्लैंप हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी एक्सेसरीज है, इनकी डायग्राम्स देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है। देखिए, ये हमारे पास कास्टिंग है, इसका फ्रंट व्यू दे रखा है और इसका टॉप व्यू दे रखा है, कितना हमें यहाँ से एक्सट्रूड करना है और कितना हमें टॉप व्यू से कट करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या बनाना है, हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट करना है। तो ये हम बनाएंगे, उसको इतना एक्सट्रूड कर देंगे, ये वैल्यू दे रखी है, और उसके बाद टॉप प्लेन से ये सारे होल्स बना के, ये सारी कटिंग्स बना के इसको एक्सट्रूड कट कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास कैप आ रही है, सो कैप में भी हमारे पास इसी तरह से फ्रंट व्यू दे रखा है, सो इसी तरह से हम इसे बनाएंगे और यहाँ से इसको 46 mm एक्सट्रूड कर देंगे और अपर फेस से इसको यहाँ से बना के कट कर देंगे। तो बहुत सिंपल है बनाना ये। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये बोल्ट, आ जाएगा ये लॉक नट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बोल्ट हमारे पास इस तरह से दे रखे हैं, इसमें मेन हमारे पास रहेगा ये जो साइड में कटिंग्स है, साइड में रेडियस लगाना है, किस तरह से लगाना है, ओके। बिल्कुल कॉर्नर के एजेस में ही है ये रेडियस दे रखा है, ठीक है। और ये चीज, ये रेडियस किस तरह से लगाना है, ये भी हमारे पास मेन पोर्शन रहेगा बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है ब्रशेस, इसको पेडेस्टल बेयरिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको किस तरह से बनाना है वो भी हम बना के देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स बना के इसको एंड में असेंबल करेंगे। फाइनली हम क्या करेंगे, मटेरियल अप्लाई करके देखेंगे तो किस तरह से हम मटेरियल अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो प्लमर ब्लॉक है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बना होता है। सो इसमें हम मटेरियल अप्लाई करके एंड में इसका रेंडर निकालेंगे, किस तरह से हम रेंडर निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे, ओके। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे न्यू ड्राइंग शीट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास दे रखा है कास्टिंग वाला पार्ट, ओके। सो इसे बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसे ओरिजिन मान के, देखिए अगर मैं इसे ओरिजिन मान लेता हूँ, या फिर मैं अगर इसका हाफ पार्ट बना लूं और उसको मिरर कर दूं, तो ये सारा ज्वाइन करने के बाद मैं प्रेस पुल कर सकता हूँ इसे, ठीक है। तो ये सारा पार्ट मैं एक बार में बनाने के बाद इसे प्रेस पुल कर दूंगा 46 mm, तो ये मेरा पार्ट बन जाएगा। तो इसमें डायमेंशंस क्या दे रखी है, देखिए मेरे पास अगर मैं इसका हाफ वैल्यू लेके चलूं तो क्या हो जाएगा, मेरे को ये पार्ट सेंटर पे रखना है, ठीक है। सेंटर में बनाने से मेरे को और इजी हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी बनाने के लिए, क्योंकि ये जो सर्कल है और ये वाले जो सर्कल है ये भी लगाने हैं मुझे, तो इनका डिस्टेंस लेना मेरे को ओरिजिन से और भी इजी हो जाएगा। तो ओरिजिन को आपने सेंटर पे ही रखना है, हमेशा आगे पीछे नहीं रखना, मींस यूसीएस को आपने सेंटर पे ही रखना है। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो अगर मैं इसकी हाफ वैल्यू करूँ तो 104 हो जाएगा, यहाँ से 104 एक लाइन लेके। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ से एक डायमेंशन दे रखी है, एक्स एक्सिस में 4 और वाई एक्सिस में कितनी दे रखी है, 14 mm दे रखी है। सो इट मीन्स अगर मैं पोलर में एट द रेट -4 और 14 कर लूंगा तो ये भी लेंथ आ जाएगी मेरे। देन उसके बाद क्या करूंगा, मैं ये सेंटर पॉइंट से मैं सर्कल ले लूंगा एक, इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, देखिए यहाँ से 14 दे रखे हैं और ये टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 54 दे रखी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 16 का। एक यहाँ से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस मेरे पास 4 दे रखा है, सो इट मींस अगर मैं यहाँ से लेकर इसके सेंटर तक की वैल्यू देखूँ तो 20 हो जाएगी। सो 54 में से अगर मैं 20 mm माइनस करूँ तो कितना बना, 34। 34 प्लस 14 mm कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सो मैं सेंटर से अगर इसकी वैल्यू लूंगा तो 0.48 पे ये सर्कल लग जाएगा, कितने mm का, 24 mm का, ओके। इसके बाद एक लाइन लूंगा जिसको मैं 28 mm यहाँ पे ऑफसेट कर दूंगा और यहाँ से एक लाइन लेके इसे 4 mm ऑफसेट कर दूंगा, तो ये भी पोर्शन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। एक मेरे पास 104 की लेंथ दे रखी है, सो इसे मैं सेंटर से 52 mm और ऑफसेट करूंगा तो ये भी मेरा पार्ट बन जाएगा, ओके। सो इतना पोर्शन बनाने के बाद मैं इसे मिरर कर दूंगा और प्रेस पुल कर दूंगा, ठीक है। तो इसे बना के देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मेरे पास, मैं इसका ग्रिड व्यू ऑफ कर सकता हूँ,
एल एंटर 0.0 मेरे पास आ जाएगा, 104.0 आ जाएगा। जूम करेंगे तो जूम करके इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आएगा हमारे पास -4.14, तो ये भी लेंथ आ जाएगी आपके पास। इसको इसी तरह से लीव कर देते हैं। अब मैं यहाँ से सेंटर एक सर्कल लगा लेता हूँ जो ये वाला था, तो ओरिजिन से हमने इसका डिस्टेंस निकाला था 48। सो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0.48 और 24 का मेरे पास सर्कल दे रखा है, तो इस तरह से ये आ जाएगा। और मैं सेंटर से एक लाइन लेके इसे 4 mm ऑफसेट कर दूंगा, जैसे कि ये डिस्टेंस दे रखा है मेरे पास, ये वाला डिस्टेंस आपके पास दे रखा है, तो 4 mm का डिस्टेंस मैंने 4 mm ऑफसेट कर लिया। अब ये सेंटर से लाइन लेके मैं 28 mm और 52 mm इसे ऑफसेट कर लूंगा। सो सेंटर से एक लाइन ले लेते हैं, ये मैंने एक लाइन ली और इसे हम 28 mm ऑफसेट कर रहे हैं। अगेन इसे ऑफसेट करना है 52 mm, सॉरी 108 है तो 54 mm होगा। सो इस तरह से मेरा ये ऑफसेट हो जाएगा। इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये लाइन आ जाएगी, और इस लाइन को मैं रिमूव कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास यहाँ से ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, 16 mm। सो मुझे ये 16 की लेंथ लेनी है, सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 16 की लेंथ आ जाएगी। इसे आप ज्वाइन कर सकते हो, मेक योर ऑर्थो ऑन, ये पार्ट आ गया मेरे पास, इसे एक्सटेंड कर दीजिए यहाँ से, और यहाँ से मैं एक लाइन ले सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको ट्रिम कर दीजिए, यहाँ से मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लूंगा ताकि मैं इसको हाफ सर्कल ट्रिम कर सकूं, बिकॉज मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए। सो मुझे ऊपर से इसको ट्रिम करना पड़ेगा, तो मैं ट्रिम कर लेता हूँ इसे। ये भी पोर्शन नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ओके। और जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उसे मैं इरेज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स ये मेरा पार्ट बन चुका है, इसे मैं मिरर कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंटर, और 0.0 सेंटर लाइन आ जाएगी, 0.10 आ जाएगा आपके पास, इस तरह से ये चीज आ जाएगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये आपके पास आ चुका है। अब इसे हम प्रेस पुल कर सकते हैं या फिर ज्वाइन कर लेंगे पहले, ठीक है। तो प्रेस पुल करके देखते हैं ये प्रेस पुल होते हैं या नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रेस पुल हो रहा है, सो हमें इसे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इसे 46 mm इसे एक्सट्रूड कर देंगे, इस तरह से आपके पास ये चीज आ जाएगी। सो इसे हम कंसेप्चुअल व्यू में चेक करते हैं किस तरह से आ रहा है हमारे पास, ओके। नेक्स्ट मेरे पास क्या है अभी, अब मुझे ये वाला कर्व बनाना है और ये जो स्लॉट्स हैं ये कट करने हैं, ठीक है, मेरा ये काम रह गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, इसका ये वाला कर्व बना लेता हूँ। कितना रेडियस दे रखा है, 54 दे रखा है सेंटर से। सो मैं इसका सेंटर यहाँ पे ऑन कर लूंगा, तो इसको टॉप व्यू ऑन कर लेते हैं, इस तरह से आपके पास ये आ चुके हैं। बट मुझे सेंटर पे चाहिए, अब सेंटर लेने के लिए मुझे लाइंस लेनी पड़ेंगी। सो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो ओरिजिन है उसे मूव कर लूंगा, देखिए ये मूव हो रहा है। अब इसमें मैं वैल्यूज दूंगा एक्स वाई और जेड की, उसे मैं सेंटर पे ले आऊंगा, ठीक है। तो इसमें x, y और z की वैल्यू किस तरह से देनी है वो देख लेते हैं पहले। देखिए x एक्सिस मेरी ये वाली है, तो इस साइड मुझे वैल्यू 0 देनी है, बिकॉज इस साइड मुझे मूव ही नहीं करना। y वाली साइड मेरी अप साइड है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया वो चेक कर लेते हैं। ये है मेरा बेस, यहाँ पे ओरिजिन है मेरा, यहाँ पे UCS है मेरा। सो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करवाना चाहता हूँ, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 54 + 14 = 68। सो 68 mm इसे y में मूव करूंगा। सो z में कितना मूव करूंगा, 46 इसकी लेंथ है, और 46 का हाफ कितना आ जाएगा, 23। सो इट मींस इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, 0.68, 23। सो मैं ये अप्लाई करूंगा, मेरा सेंटर पे आ जाएगा ओरिजिन, ओके। सो यहां से हम इसे ओरिजिन को मूव करवा लेते हैं, ये मेरा ओरिजिन है, इसे मूव करवा लेते हैं, मेक योर ऑर्थो इज ऑन। तो इस डायरेक्शन में हमें मूव करवाना है, सो पहले x की वैल्यू आ जाएगी 0, y की वैल्यू आ जाएगी 68 और z की वैल्यू आ जाएगी 23। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये मूव कर जाएगा, देखिए बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये टॉप प्लेन नॉर्मल कर लेता हूँ, और यहाँ से xy प्लेन इसे फिक्स कर लेता हूँ।
सी एंटर 0.0 अगर आप अप्लाई करोगे तो 54 का सर्कल लगा दिए, देख लिए बिल्कुल सेंटर पे बना है। सो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट मुझे अब क्या करना है, प्रेस पुल करना है। तो ये वाली लेंथ कितनी आ रही है मेरे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये वाली लेंथ कितनी आ रही है, 54 आ रही है। सो 54 mm से प्रेस पुल करना है मुझे। सो मैं प्रेस पुल अप्लाई करूंगा, मेरे पास कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला। सो आप देखिए ये प्रेस पुल हो रहा है, 54 mm से अप्लाई कर दीजिए। डायरेक्शन ऑपोजिट जा रही है, सो इसे माइनस कर दीजिए आप कंट्रोल जेड करके। सो अगेन प्रेस पुल अप्लाई कीजिए, सिलेक्ट दिस एरिया एंड एक्सट्रूड इट अप टू -54 mm। सो ये प्रेस पुल हो जाएगा। नेक्स्ट दिस एरिया एंड एक्सट्रूड इट अप टू -54 mm एंड दिस इज ऑल्सो अगेन दिस एरिया -54 एंड अगेन दिस एरिया इज अगेन -54। सो ये सारा मेरा प्रेस पुल हो गया। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या बनाना है। देखिए हमारे पास अभी टॉप प्लेन का काम है, फ्रंट व्यू से हमने ये चीज बना ली, उसे हमने एक्सट्रूड भी कर दिया 46 mm। देन अभी हमारे पास टॉप प्लेन से क्या बनाना है, देखिए ये मेरे पास एक स्लॉट दे रखा है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 157। सो 157 का अगर हाफ कर देंगे सेंटर से, देखिए फ्रेंड्स सेंटर से ही सारी डायमेंशंस दे रखी हैं। सो अगर आप यूसीएस या ओरिजिन को मेंटेन करके चलोगे तो आपको ड्राइंग बनाने में कभी भी मुश्किल नहीं आएगी, आप कोऑर्डिनेट से बिल्कुल इजीली ड्राइंग बना सकते हो। ओके, अदरवाइज आपको लाइंस लेनी पड़ेंगी और उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इजी मेथड है, बहुत इजीली और बहुत जल्दी ड्राइंग्स बनती है। सो यहाँ पे अगर मैं इसकी सेंटर से वैल्यू लूंगा कितनी वैल्यू आ जाएगी, 157 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 78.5। सो 78.5 पे ये सर्कल लेंगे और उसके साथ इसे कॉपी कर लेंगे 8 mm, तो ये भी स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा मेरा। और उसके साथ ही सेंटर पे एक सर्कल ले लेंगे 8 mm का, जिसे मुझे एक्सट्रूड कट करना है यहाँ तक। सो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए सेंटर से मेरे को दे रखा है 34। इट मीन्स इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 24, बिकॉज रेडियस का 24 दे रखा है। तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 24 है और यहाँ से यहाँ तक 10 mm, ये देखिए 10 mm डीप करना है मुझे। ओके, सो अगर मैं इसके टॉप लेन से इसे कट करूं, सो कितना mm इसे मैं कट करूंगा, देखिए यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी जा रही है, 16 + 4 = 20 + 34 कितना जा रहा है, 54। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 54। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं 54 mm से कट लगा दूंगा, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी बन जाएगा। इसे मैं थ्रू होल कर दूंगा, ये देखिए थ्रू होल जा रहा है। तो यहाँ से हम इसे बना लेते हैं, टॉप प्लेन ऑन कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं इसे। सो यहाँ से 2D वायर फ्रेम, सी एंटर 78.5, 0 आ जाएगा आपके पास। कितने mm का सर्कल है, 6 का दे रखा है। अगेन इसकी कॉपी करेंगे, सो यहाँ से आपके पास 8 mm के डिस्टेंस दे रखे है, सो ये बन जाएगा। इसे ज्वाइन कर दीजिए सेंटर से, ये चीज ज्वाइन हो जाएगी, ये भी चीज ज्वाइन हो जाएगी। इसे ट्रिम कर दीजिए जो हमें नहीं चाहिए। सो इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसे मिरर कर देते हैं 0.0। अब देखिए मिरर भी कितना इजी हो रहा है, इसमें मुझे कोई भी एक्स्ट्रा लाइन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इजीली बन रहा है। ये थोड़ा गलत हो गया, दोबारा बना लेते हैं इसे। MI एंटर, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंटर। सो ओरिजिन कौन सा आ रहा है मेरा, ये आ रहा है 0.0। देखिए ये जा रही है ना लाइन, तो इसे स्ट्रेट पिक कर लीजिए पॉइंट और ये आपके पास मिरर हो जाएगा। देन सी एंटर 0.0 और 8 mm का सर्कल था, तो मैं 4 mm का रेडियस लगा देता हूँ, तो ये पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इस सर्कल को चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, देन अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रेस पुल करना है। इस वाले सर्कल को कितना करना है, -54 mm। सो ये इस तरह से, ये देखिए ये हो गया। देन अब मेरे पास ये प्रेस पुल करना है, सो ये मेरे पास एरिया आ रहा है, देन इसे भी प्रेस पुल कर लेते हैं। सो ये भी अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इन सभी को, तो कंसेप्चुअल व्यू ऑन कर लेते हैं, SUB एंटर, देन सिलेक्ट द मेन पार्ट एंटर, सिलेक्ट द सेकेंडरी पार्ट्स जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से ये सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
देन अब मुझे क्या करना है, मुझे बेस सिलेक्ट करना है। सो यहां से अब फ्रेंड्स देखिए मुझे ये कितना मूव करना है, अब मुझे ये प्लेन बनाना है, तो उसके लिए मुझे ओरिजिन मूव करना पड़ेगा, तो ये मेरा सेंटर बन जाएगा। यहाँ से मैं कोऑर्डिनेट्स इजीली ले सकता हूँ, मिरर भी कर सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा और उसे मूव करना पड़ेगा स्केच को, तो मैं ओरिजिन को ही मूव कर लेता हूँ। सो ओरिजिन को मूव कर लेंगे यहाँ पे, कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पे, ठीक है। सो जेड, सो मेरी ये जेड आ रही है, एक्स और वाई मेरा 0 0 पे है और जेड पे मेरे को मूव करना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 68। सो 0,0,68। तो ये अप साइड चला गया, इसे मुझे माइनस में वैल्यू देनी पड़ेगी। सो 0,0,-68। सो आपके पास फ्रेंड्स ये ओरिजिन आके देखिए, ठीक है। सो अगर मैं इसे रोटेट करके नॉर्मल करूं, ये देखिए इसे मैं नॉर्मल करके अभी एक्स वाई प्लेन पे फिक्स कर लेता हूं, तो ये मेरा प्लेन बन जाएगा। देन मुझे अब क्या करना है, ये सर्कल लगाने हैं, ये वाला जो है सेंटर से कितना डिस्टेंस दे रखा है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है 78 सेंटर टू सेंटर, तो हाफ इसकी वैल्यू लूंगा तो 39,0 पे सर्कल आ जाएगा, ठीक है। सो एक सर्कल ले लेंगे हम, कितना डिस्टेंस दे रखा है इसका, 12 mm डाया दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 mm। सी एंटर, 39,0 और 6 का रेडियस आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटर से लाइन लेंगे 13 mm की, एट द रेट 0,13 हो जाएगा। देन इस साइड भी मेरा कितना हो जाएगा, एट द रेट 13,0। आउटवर्ड साइड कितना हो जाएगा, 0,-26 और इस साइड कितना हो जाएगा, एट द रेट -26,0 और वाली साइड कितना हो जाएगा, 0,26। एंड इसे यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे इरेज कर दीजिए और इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये लाइंस और ये, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दीजिए और इन्हें मिरर भी कर दीजिए 0,0 और 0,10। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजी ड्राइंग्स बन रही है, ये बेनिफिट है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है। सो हम इसे अब क्या करेंगे, प्रेस पुल करेंगे, कितना प्रेस पुल करना है ये देख लेते हैं। देखिए जो स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है कितना, 10 mm उसे एक्सट्रूड कट करना है और जो इनर सर्कल है उसे थ्रू ऑल करना है, ठीक है। सो मैं ये प्रेस पुल कर लेता हूँ अभी, प्रेस पुल सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, चाहे तो पूरे को सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज इनर सर्कल जो है मेरा थ्रू ऑल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10 mm से, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कंट्रोल सेट करेंगे, अगेन प्रेस पुल करेंगे, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट -10, अगेन दिस ऑब्जेक्ट एंड -10, देन प्रेस पुल ये करेंगे और इसे थ्रू होल ले जाएंगे, देन अगेन प्रेस पुल ले जाएंगे, इसे थ्रू होल कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज मेरी बन जाएगी, देन इसे हम कंसेप्चुअल वे में आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, SUBT, एंटर, सिलेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट, एंटर, और सिलेक्ट द सेकेंडरी पार्ट जिसे हमें रिमूव करना है, तो आप देखिए ये चीज रिमूव होगी। देन अगेन SUBT, एंटर, सिलेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स जिसे मुझे रिमूव करना है, तो ये चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आपका जो कास्टिंग पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है, ओके। सो इसके बाद अभी मेरे पास नेक्स्ट जो रहता है वो देखते हैं क्या बनाना है। नेक्स्ट है हमारे पास कैप, इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ से मेरे पास एक 24 का सर्कल दे रखा है ये वाला, और एक 48 का सर्कल दे रखा है ये वाला। सो सेंटर से मैं दो सर्कल लगा लूंगा, 24 और 48 का, देन सेंटर से एक लाइन लेके इसे ऑफसेट कर दूंगा 8 mm, देन सेंटर से एक और लाइन लेके वर्टिकली इसे मैं 28 mm ऑफसेट कर दूंगा, तो ये भी मेरा एरिया आ जाएगा। यहां से मैं 16 mm की लेंथ लूंगा, देन इस लाइन को अगेन मैं 54 mm ऑफसेट करूंगा, तो ये भी पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको किस तरह से बनाना है वो देखते हैं, सर्कल बना लेते हैं पहले दो, 0,0
24 का, अगेन 0,0, 48 का एक सर्कल है, तो z एंटर a एंटर, तो इस तरह से ये बन जाएगा। देन मेरे पास अब क्या आ जाएगा, सेंटर से एक लाइन लेके इसे ऑफसेट कर देंगे 8 mm, सो l एंटर, सेंटर से एक लाइन लेके इसे 8 mm ऑफसेट कर देते हैं, तो ये चीज आ जाएगी मेरे पास। देन वर्टिकल एक लाइन लेनी है मुझे और उसे 28 mm ऑफसेट करना है जैसे मैंने पिछली ड्राइंग में किया था, और इसे अगेन 54 mm और ऑफसेट करना है। सो इस तरह से आपके पास ये भी आ जाएगा। सो इसे एक्सटेंड कर लेते हैं हम अभी। ओके, सो इसके बाद अभी देखते हैं क्या चीज मुझे और चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ इस पॉइंट से मेरी जो लेंथ कितनी आ रही है, 16 की आ रही है, तो 16 से फिर मेरी ये लाइन ज्वाइन होगी यहाँ पे। तो मैं इस लाइन को क्या करता हूँ, ट्रिम कर लेता हूँ, और देन अब मैं लाइन ज्वाइन करूंगा यहाँ से कितना, 16 mm, और यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन कर दूंगा, एक्स्ट्रा पार्ट में ट्रिम कर लेता हूँ अभी। ओके, देन अभी मेरे पास क्या है, ये लाइन, ये पॉइंट आ चुके हैं मेरे पास। अब यहाँ से मेरे पास 12 mm की लेंथ है, सो कितना हो जाएगा, एल एंटर, यहाँ से मेरी 12 mm की लेंथ है, और यहाँ से मैं ऑर्थोन करके इसे हॉरिजॉन्टली मूव कर दूंगा। देन मेरे पास क्या आ जाएगा, टी आर डबल एंटर, ये चीज आ जाएगी, ई एंटर, इसे इरेज कर दूंगा, ट्रिम कर लेते हैं इसे, और देन एक्स्ट्रा पार्ट जो मेरा इरेज हो जाएगा। अब और मुझे क्या चाहिए, देखिए 8 mm की लाइन जो थी वो मुझे चाहिए थी, वहां से मुझे ट्रिम करना है। सो मैं 8 mm की लाइन जो है उसे एक्सटेंड कर लूंगा। सो ये जो पोर्शन है मेरा सारा ट्रिम हो चुका है। अगर मैं हाफ इसको रिमूव भी कर लूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिरर हो जाएगा बाद में। सो अगर मैं इसे कीप करूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपके पास ये चीज आ रही है। देन अभी हम क्या करेंगे, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। देन इसके बाद क्या करेंगे, इसे इरेज कर लेते हैं और मिरर कर लेंगे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो स्केच आ रहा है, एंटर 0,0 और 0,10, ये देखिए ये चीज आ गई। एक्सटेंड कर लेंगे इस लाइन को और इसे हम ट्रिम कर लेंगे इस तरह से, और इस लाइन को भी हम ट्रिम कर लेंगे जो ये वाली आ रही है। सो फ्रेंड्स ये चीज मेरे पास अभी आ चुकी है, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे ट्रिम कर लीजिए, इरेज कर लीजिए, और इस तरह से ये कैप का स्केच मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसे प्रेस पुल कर लेते हैं अभी। सो प्रेस पुल अप्लाई करते हैं, उतना ही एक्सट्रूड जाएगा जितना मैंने लास्ट ड्राइंग में किया था, बिकॉज ये कनेक्टेड है। देन अभी मेरे पास क्या है, तो फ्रेंड्स अभी फिर मुझे इस ओरिजिन को मूव करना पड़ेगा, सेंटर पे लाना पड़ेगा। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अगर मैं यहाँ से वैल्यू देखूँ तो 8 mm ये आ रही है, 16 ये आ रही है, तो कितना हो गया टोटल, 24 प्लस 12 mm कितना हो गया, 36 हो गया। सो टोटल कितना हो गया, 36। तो ओरिजिन से मैं 36 mm से मूव कर दूं अपवर्ड साइड, और सेंटर मेरा 23 है। सो देखते हैं कौन सी एक्सिस में कितना मूव करना है। देखिए एक्स में मुझे मूव नहीं करना, जेड में मेरे को 23 मूव करना है, और वाई में मेरे को 36 मूव करना है। सो ओरिजिन को मूव कर लेते हैं, एक्स आ गया 0, वाई आ गया कितना 36, और जेड आ गया 23। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये अगेन। सो फ्रेंड्स अभी मुझे ये वाला डिस्टेंस नहीं पता, तो ये सेंटर पे ही इसको हम कीप करते हैं। तो यहीं पे अभी हम स्केच बनाएंगे। सो इसका फ्रंट व्यू ऑन कर लेते हैं, टॉप प्लेन ऑन कर लेते हैं, एक्स वाई प्लेन पे इसे फिक्स कर लेते हैं, और यहां से मैं अगेन सर्कल ले रहा हूं एक, कितने एमएम का, देखिए ये चीज दे रखी है आपको, अगेन 54। जो मैंने ये चीज बनानी है ना, वो चीज हमें सेम यहाँ पे बनानी है। ठीक है, तो रेडियस कितना दे रखा है, 54 का, सेम उसी तरह से बनाएंगे। तो 54 का मेरे पास सर्कल आ रहा है, और यहाँ पे हम इसे प्रेस पुल कर लेंगे। अभी प्रेस पुल आ रहा है मेरे पास, सिलेक्ट दिस एंड सिलेक्ट दिस एरिया, ये देखिए प्रेस पुल हो रहा है सारा। देन सिलेक्ट दिस वन एंड सिलेक्ट दिस वन ऑल्सो, जो नहीं डिलीट हुआ उसे अगेन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एस यू बी टी एंटर, सिलेक्ट द मेन पार्ट एंटर, सिलेक्ट द सेकेंडरी पार्ट्स जो मुझे रिमूव करने हैं, तो इस तरह से ये आ जाएगा आपके पास। देन अगेन गो टू द टॉप लाइन, एंड देन अब मुझे क्या करना है, दो सर्कल लगाने हैं,
6 mm का जो है वो थ्रू होल गया है और 18 mm का 16 mm गया है, ठीक है। तो उससे पहले मुझे ये दो सर्कल लगाने हैं, ठीक है। तो आप एक ही साथ इसे बना सकते हो, मैंने जो भी ये वाला सर्कल कट किया है इसके साथ ही आप इसे भी बना सकते हो, ठीक है। सो मैं सेकेंडरी पार्ट में इसे बना रहा हूँ, आप एक साथ भी इसे बना सकते हो और एक ही बार में प्रेस पुल कर सकते हो। सो यहाँ पे कितना दे रखा है, 12 mm का डाया दे रखा है और डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे 78, सेम वही डिस्टेंस दे रखा है। सो यहाँ पे वही चीज कर लेते हैं, सी एंटर 39.0, कितने का सर्कल आ जाएगा आपका, 6 का। और यहाँ पे अगेन एक सर्कल और आ रहा है, एट द रेट 0.0 आ जाएगा। और कितना सर्कल आ रहा है यहाँ पे वो देख लेते हैं, कह रहे स्पॉट फेस्ड टू सूट द नट, नट को सूट करना चाहिए। अभी उसके लिए मुझे नट के डायमेंशन देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो नट के डायमेंशन देख लेते हैं क्या आ रही है। देखिए ये आपके पास नट आ रहा है, ये भी नट आ रहा है। सो इनका डाया कितना आ रहा है, टोटल हाइट कितनी आ रही है, 28 mm आ रही है। सो ड्राइंग में क्या बोल रहे हैं वो, पोर्ट फेस टू सूट नट, तो इसको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लेके चलिए। सो मैं इसे 32 mm लेके चल रहा हूँ ताकि ये इजिली फिट हो जाए। सो मैंने रेडियस 32 ले लिया, यहाँ पे एस सी एंटर करेंगे और डाया 32 बनाएंगे, एंटर। बेस पॉइंट कौन सा है मेरे पास, ये वाला, और 0.5 स्केल फैक्टर दे देंगे तो ये हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। देन इसे हम मिरर कर लेते हैं, सिलेक्ट दीज ऑब्जेक्ट्स, एंटर 0.0, बेनिफिट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। सो ये चीज हमारे पास आ गई, अब इसे हम प्रेस पुल कर लेते हैं अगेन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर आपने बनाया तो इसके साथ ये भी बना सकते हो, तो एक ही बार में इसे प्रेस पुल कर सकते हैं। मैंने दो बार भी बनाया है, तो आप एक ही बार में इसे बनाना। सो देखिए इसे प्रेस पुल कर देंगे अपसाइड, सो इसे हम बाद में कट भी कर देंगे, और इसे हम प्रेस पुल कर देंगे डाउनवर्ड साइड, इसे भी हम प्रेस पुल कर देंगे डाउनवर्ड साइड। देन गो टू द कंसेप्चुअल व्यू, अगेन सबट्रैक्ट करेंगे, सिलेक्ट द मेन पार्ट, सिलेक्ट द सेकेंडरी पार्ट जिसे आपने रिमूव करना है, एंटर। सो आप देखिए ये पार्ट भी आपका रेडी हो चुका है। नाउ मुझे क्या करना है, सर्कल बनाने हैं, ये दो सर्कल बनाने हैं, और इसे 6 वाले को थ्रू होल करना है और 8 वाले को 16 mm कट करना है। सो टॉप फेस से बनाएंगे, मैं क्या करता हूँ इसी प्लेन पे बना लेता हूँ और स्केच को मूव कर लूंगा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, देखते हैं कितना मूव होता है। सो सी एंटर 0.0, कितना mm, 6 कट आया था, 3 mm हो जाएगा। अगेन 0.0, सो 8 कट आया था, 4 हो जाएगा। देन ये सर्कल आ गया मेरे पास, एक काम करते हैं इसका डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं ये वाला प्लेन ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे एक्स वाई प्लेन पे सेट कर देता हूँ। देन गो टू द एनोटेट एंड सिलेक्ट दिस डायमेंशन फ्रॉम सेंटर टू दिस क्वाड्रेंट। सो 12 mm आ रहा है, सो मैं इसे 12 mm मूव कर देता हूँ। सो मूव, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम सेंटर मूव इट अप टू 12 mm। सो ये आपका देखिए मूव हो गया। Now, मैं इसे एक्सट्रूड कट कर सकता हूँ बहुत इजीली, ओके। सो इसका टॉप प्लेन अगेन यही वाला बना लेते हैं, रोटेट कर लेंगे इसे, और यहां से इसका एक्स वाई प्लेन, देन प्रेस पुल, सिलेक्ट दिस एरिया एंड मूव इट अप टू -16 degree, -16, सो -16 ये प्रेस पुल हो जाएगा। देन अगेन प्रेस पुल इट टू दिस इनर सर्कल एंड गिव इट द वैल्यू थ्रू ऑल। सो सबट्रैक्ट करेंगे, सिलेक्ट द मेन पार्ट, सो ये भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज इसमें से मुझे ट्रिम करना है अभी, एंटर। सिलेक्ट द इनर सर्कल, सो एंटर। तो आप देखिए ये चीज आपका चला गया। देन अब मुझे क्या करना है, अगेन सबट्रैक्ट करना है, सिलेक्ट दिस मेन पार्ट, एंटर, सिलेक्ट दिस सेकेंडरी पार्ट। तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, अभी हम क्या करेंगे, अगेन इसे प्रेस पुल कर लेते हैं। तो ये आपके पास ट्रबल शूट आते रहेंगे, आपने इस तरह से इसे सॉर्ट आउट करना है। सो हम यहाँ पे अगेन 2D वायर फ्रेम में चले जाते हैं और इस तरह से आपके पास ये चीज आ जाएगी। इसे हम करेंगे -16 mm,
सो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपके पास आ जाएगा, देन अब मैं इसे प्रेस पुल कर सकता हूँ। सो गो टू द कंसेप्चुअल व्यू, देन सबट्रैक्ट, सिलेक्ट द मेन पार्ट एंड सिलेक्ट द सेकेंडरी पार्ट, एंटर। सो आप देखिए ये चीज आपके पास आ गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी आपके पास कंप्लीट हो गया। सो जो एक्स्ट्रा स्केचेस हैं उन्हें आप रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट अभी हम क्या बनाएंगे, अभी हम ये वाला पेडेस्टल बेयरिंग बना लेते हैं, और जिसे हम बेसिस भी बोलते हैं या पेडेस्टल बेयरिंग आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। देन अभी हम इसे किस तरह से बनाएंगे, देखिए हाफ बनाएंगे ये वाला एरिया और इसे रिवॉल्व कर देंगे, और उसके बाद इसके टॉप लेन से हम ये एक्सट्रूड कट या एक्सट्रूड करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या डायमेंशन दे रखे हैं, देखिए मेरे पास एक लेंथ दे रखे 28, 46 और 64, और यहाँ से मेरे पास दे रखा है जो अंदर वाला सर्कल है, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 16 है, 32 टोटल दे रखा है, हाफ देखेंगे तो 16 रहेगा। और जो आउटर डायमेंशन है वो मेरी कितनी है, 64 है, इट मीन्स अगर मैं हाफ वैल्यू लूंगा तो यहाँ से 32 हो जाएगी। तो ये 64 का डाया आ रहा है मेरे पास, इट मीन्स ये वाली लेंथ मेरे पास कितनी रहेगी, 32 रहेगी। देन मेरे पास 48 का सर्कल आ रहा है और एक 44 का सर्कल आ रहा है, तो 48 का सर्कल ये है और यहाँ से 44 का ये वाला सर्कल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 32, और यहाँ से भी अगेन 32 हो जाएगी, और उसके बाद 64 से अगर मैं 46 माइनस करूँ तो 20 mm हो जाएगा। सो 20 mm इट मीन्स 10 mm इस साइड से, 10 mm इस साइड से, सो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 mm। इसके बाद ये वाला डाया कितना हो जाएगा, 48 का, सो हाफ वैल्यू से अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 32 सेम है, 24 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 mm। सो 8 mm की लेंथ ये हो जाएगी। सो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 46 सेम है, 28 को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 mm। सो 18 mm को हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 mm। सो ये भी लेंथ आपके पास आ जाएगी। देन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 44 है, तो हाफ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। तो 44 में से, सो 24 में से 22 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 mm। सो ये लेंथ भी आ जाएगी। इसे ज्वाइन कर देंगे, इसे मिरर कर देंगे और इसे रिवॉल्व कर देंगे, तो इजी बन जाएगा ये। सो मैं यहाँ से ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ, देन इसे फटाफट बना लेते हैं। 0.0, 32.32, 32.0, देन अगेन 32.32। तो Z एंटर, A एंटर अप्लाई करके देखते हैं किस तरह से बन रहा है। फ्रेंड्स इस तरह से ही बन रहा है। देन L एंटर, @0.0, @-10.0, इस तरफ आ रहा था, @0.-8, इस तरह से बन रहा था, @-9.0, ये चीज आ रही थी, @0.-2, इस तरह से आ रहा था। एंड देन अब हम इसे छोड़ देते हैं ऐसे ही, अब हम इसे मिरर कर लेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, 0.0, 0.10, सो ये मिरर हो गया, ज्वाइन दैट पॉइंट्स, तो एक लाइन बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये मेरे पास होल है, ठीक है। सो होल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने का डिस्टेंस है, 32 का, सो इस लाइन को मैं ऑफसेट कर लूंगा 16 mm, सो ये भी चीज मेरे पास आ जाएगी। सो ओ एंटर, 16 mm, सो इस लाइन को मैं ऑफसेट कर लूंगा ये चीज। देन ट्रिम दिस लाइन एंड ज्वाइन द पार्ट्स, और इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये पार्ट मेरा सारा ज्वाइन हो जाएगा। देन रिवॉल्व करेंगे, REV एंटर, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंटर, और अब ये पूछ रहे हैं स्टार्ट पॉइंट। सो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मुझे इस एक्सिस पे रोटेट करना है, एंटर करेंगे। सो अब देखते हैं इसे किस तरह से आया, ये इसका कंसेप्चुअल भी चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास ये पेडेस्टल बेयरिंग आया है। ओके नाउ मुझे क्या करना है, देखिए ये जो सर्कल है मुझे ये कट करना है, ठीक है। 6 mm का सर्कल यहाँ से मेरे को थ्रू होल करना है, और उसके बाद 8 mm का सर्कल यहाँ से मेरे को डिस्टेंस दे रखा है 30 mm का। सो उसे यहाँ पे क्या करना है, 30 mm से एक्सट्रूड करना है सरफेस तक, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरा जो ओरिजिन है वो बिल्कुल सेंटर पे है, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूंगा, एक साइड में
30 mm मूव कर लूंगा जेड डायरेक्शन में, या जो भी एक्सिस होगी उस डायरेक्शन में से मूव कर लूंगा, और यहीं से दो सर्कल लगा के इसे 6 mm को थ्रू होल कर दूंगा, 8 mm का जो सर्कल है वो एक्सट्रूड हो जाएगा अप टू दिस वैल्यू तक, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉप लेन इसका ये वाला आ रहा है, सो मेरे पास जेड एक्सिस आ रही है ये वाली, देखिए साइड प्लेन से देखिए जेड एक्सिस मेरी आ रही है डाउनवर्ड साइड, सो सेंटर पे ये मेरे सर्कल एक्स एक्स और वाई 0 0 हो जाएंगे, जेड मेरा कितना हो जाएगा -30। सो इसे मूव करके देखते हैं, सो मेरा ऑर्थो जो है वो ऑन रहना चाहिए, कीप योर ऑर्थो ऑन, सो डायरेक्शन ये आ रही है मेरे पास, सो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 0.0-30, और आप इसको डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो 30, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास ये प्लेन आ गया, नाउ बॉटम प्लेन ऑन करते हैं और इसे एक्स वाई प्लेन पे फिक्स कर लेते हैं, सो 0.0 पे एक सर्कल आएगा, कितने का 6 का डाया है तो 3 का आएगा, अगेन 0.0 और 4 का रेडियस आ जाएगा, 8 का डाया हो गया, ठीक है। सो इसे आप प्रेस पुल करेंगे वन बाय वन, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट और इसे मैं यहां तक प्रेस पुल कर लेता हूँ, देन प्रेस पुल अगेन इसे करेंगे, इसे मैं थ्रू ऑल कर लूंगा अभी ये चीज, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी, सिलेक्ट द मेन पार्ट एंड सिलेक्ट द सेकेंडरी पार्ट जिसे मुझे रिमूव करना है, सो फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास ये चीज आ जाएगी, ये देखिए कंप्लीट हो गया। तो मैं इसे यूनियन कर सकता हूँ, यूनियन कर दीजिए इसे सिलेक्ट, तो ये यूनियन ही है, अगर नहीं होगा तो इसे यूनियन कर सकते हो आप, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये भी मेरे पास बन चुका है, नेक्स्ट अभी मेरे पास क्या आ रहा है वो देखते हैं, ग्रिड व्यू ऑफ कर लेते हैं और इसमें नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए ये हमारे पास आ रहा है, क्या है हमारे पास, ये एक बोल्ट आ रहा है और ये लॉक नट्स आ रहे हैं, सो बोल्ट बना लेते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास क्या दे रखे है 24 का स्क्वायर दे रखे है और एक 12 mm का सर्कल दे रखे है, ठीक है। तो 12 mm का जो सर्कल है उसे 96 mm एक्सट्रूड करना है और 8 mm इसे एक्सट्रूड करना है और इसके कॉर्नर पे 4 mm की फिलेट लगी हुई है, तो इसे बना लेते हैं, सो आर ई सी एंटर, ठीक है मैं इसे सेंटर पे बनाऊंगा बिल्कुल, ठीक है। सो 12.12 फर्स्ट आ जाएगा, हाफ वैल्यू लेके चल रहा हूँ, और अगर दूसरी कॉर्नर पे बनाना हो तो -12.-12, तो जिसको फ्रेंड्स कोऑर्डिनेट समझ नहीं आ रहे हैं, सो मेरी एक वीडियो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, आप उसे देख सकते हो, मैं उसका आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख सकते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम सीख सकते हो, बहुत यूजफुल है, खासकर मैकेनिकल वालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे सीएनसी अगर प्रोग्रामिंग करोगे तो वहां पे भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके काम आएगा। देन मेरे पास एक सर्कल है 12 का, तो सेंटर ही आ जाएगा 0.0, 6 का मेरा रेडियस आ जाएगा, अब इसे हम प्रेस पुल कर लेंगे, तो सिलेक्ट द प्रेस पुल, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और मूव इट अप टू -8, -8 वैल्यू आ जाएगी, और देन इसको प्रेस पुल करेंगे तो कितना करेंगे 96 mm, तो ये हमारा 96 mm हो जाएगा, तो अगर कंसेप्चुअल व्यू में देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा ये, और मुझे यहाँ कॉर्नर पे फिलेट चाहिए, तो वो फिलेट किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं अभी। सो मैं ये वाला कॉर्नर वाला प्लेन मिड प्लेन में सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे मैं लॉक कर दूंगा एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2D वायर फ्रेम ऑन कर लेते हैं और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लूंगा, ये एंड पॉइंट आ रहा है आपका और इसके मिड पॉइंट से इसे ज्वाइन कर दूंगा, तो ये चीज आ रही है आपके पास, अगेन एक लाइन लेंगे और इन्हें ज्वाइन कर देंगे और इसमें फिलेट अप्लाई करेंगे, एफ एंटर आर एंटर, 4 का फिलेट है मेरे पास ये और ये देखिए फिलेट आ गया आपके पास। अब ये जो फिलेट है इसे मुझे ज्वाइन भी करना है, मुझे ये वाली जो लाइन है ये नहीं चाहिए, ठीक है। सो इन पॉइंट्स को भी मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना, देखिए ये पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक लाइन और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक लाइन, ठीक है। सो ये लाइन आ जाएगी आपके पास, इनको ज्वाइन करेंगे हम, तो ये लाइन आ जाएगी और ये, तो ये एक पार्ट हो गया मेरा, सेंटर पे एक लाइन लेंगे और नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे क्या करेंगे अभी रिवॉल्व करेंगे, आर ई वी एंटर, सिलेक्ट एंटर और एक्सिस पूछ रहे हैं, तो आपको पता है ये मिड पॉइंट का हमें बेनिफिट है, तो
सो इस तरह से आपके पास ये रिवॉल्व हो गया। देन अभी देखते हैं किस तरह से रिवॉल्व हुआ है, व्हाट इज द कंसेप्चुअल व्यू। और इस तरह से मेरे पास आ रहा है, मैं क्या करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा अभी, सिलेक्ट द मेन पार्ट एंड सिलेक्ट द सेकेंडरी पार्ट। सो इस तरह से फ्रेंड्स ये मेरे पास फेट आ जाएगी कॉर्नर पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी मेरे पास ये भी बन चुके हैं, नेक्स्ट अब देखते हैं क्या बनाना है। सो अभी मुझे ये लॉक नट बनाना है। तो लॉक नट की जो डायमेंशन दे रखी है वो 28 mm हाइट दे रखी है, और एक्सट्रूड कितना करना है उसे 12 mm करना है, अंदर वाला सर्कल दे रखे 12 mm का। सो पॉलीगन बना लेंगे, इसकी साइड्स कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स आ रही है। सो POL एंटर, पॉलीगन आ जाएगा आपके पास, 6 साइड्स आ जाएंगी, सेंटर आ जाएगा आपके पास 0.0, और अब की बार ये सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल जाएगा, और रेडियस कितना हो जाएगा 14 mm। ओके सो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा। इसका डिस्टेंस एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए एग्जैक्ट आ रहे हैं। देन सेंटर पे एक सर्कल लगा लेते हैं जिसका रेडियस हमारे पास 6 दे रखा है, और इसे हम प्रेस पुल कर लेंगे फटाफट। सो ये मेरे पास एरिया आ रहा है, इसे हम कितना करेंगे 12 mm प्रेस पुल करेंगे। सो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा, कंसेप्चुअल व्यू में चेक करते हैं। सो गाइस इस तरह से हमारे पास ये नट आ रहा है। अभी इसमें फिलेट लगाएंगे, सो फिलेट सेम उसी तरह से लगाएंगे जिस तरह से हमने रिवॉल्व यहाँ पे लगाया था, उसी तरह से रिवॉल्व यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास 4.5 का फिलेट दे रखे है, 2D वायर फ्रेम ऑन कर लेते हैं, और एक रेक्टेंगल बना लेंगे यहाँ पे। ये पॉइंट आ रहा है मेरे पास एक, और इसका ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिलेट लगा लेंगे, 4.5 की फिलेट है, एम एंटर फॉर मल्टीपल टाइम्स। तो इस तरह से ये फिलेट आ जाएगी, और इस तरह से ये भी फिलेट आ जाएगी, ठीक है। सो एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको रिमूव कर देंगे अभी हम, इसे पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा लाइन्स होंगी उसे रिमूव कर देंगे हम। इरेज, सिलेक्ट दिस लाइन, सिलेक्ट दिस लाइन एंड सिलेक्ट दिस लाइन, एंटर। सो लाइन लेके इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, ये पॉइंट आ रहा है और फिर ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। देन अगेन ये वाला पॉइंट आ रहा है, इसे आप मिरर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको इसे बनाना ही बनाना है। तो इस तरह से ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, और इसके साथ ये एंड पॉइंट आ जाएगा। तो इन्हें भी ज्वाइन कर देंगे अभी हम, ये लाइन आ रही है, एंटर। ये भी ज्वाइन कर देते हैं, ये चीज, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम इन्हें अगेन रिवॉल्व करेंगे, REV एंटर, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर। सो बेनिफिट ऑफ ओरिजिन 0.0 0.10। सो इस तरह से आपका रिवॉल्व हो जाएगा। अभी से कंसेप्चुअल व्यू में जाके रिमूव कर देंगे। सो सबट्रैक्ट कर दीजिए इसे, सिलेक्ट द मेन पार्ट, सिलेक्ट द सेकेंडरी पार्ट्स, एंड ये देखिए आपके पास ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें लास्ट पार्ट बनाना है, उसके बाद हम असेंबल करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास अगेन लॉक नट ही है, उसके डायमेंशन सेम ही है, बट उसे एक्सट्रूड कितना करना है 8 mm करना है, और उसमें रेडियस कितना लगाना है 3 mm का लगाना है, ठीक है। सो यही हमारे पास चेंजेस है। सो पॉलीगन बना लेते हैं, सेम वही डायमेंशन है हमारे पास, 6 साइड्स है हमारे पास, सेंटर हमारे पास 0.0, देन सर्कमस्क्राइब्ड आ जाएगा, और इसके बाद 14 का रेडियस आ जाएगा। जेड एंटर, एंटर प्ले करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, 0.0, और आपके पास कितना आ जाएगा, 6 का रेडियस आ जाएगा। प्रेस पुल कर लेंगे इसे, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट 8 mm एंड सिलेक्ट द साइड प्लेन। सो फ्रंट प्लेन इस तरह से आ रहा है आपके पास, इसे लॉक कर लीजिए एक्स वाई प्लेन पे। सो इसमें हम अगेन वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे, और इसमें फिलेट अप्लाई कर देंगे, 3 mm की फिलेट है हमारे पास। सो अगेन इसे एक्सप्लोर कर लेंगे, और एक्स्ट्रा जो लाइन है हमारे पास उसे रिमूव कर लेंगे। सो ई एंटर, जो हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन है उसे रिमूव कर लेंगे, ये लाइन आ रही है, एंटर। ओके टॉप लाइन अगेन, एल एंटर, अब इन्हें ज्वाइन कर देंगे, ये आपके पास एंड पॉइंट आ रहा है, और इसके एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, और यहाँ से अगेन एक लाइन लेके इसके एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। सो अगेन इस तरह से एंड पॉइंट आ जाएगा आपके पास, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। देन इसके बाद अगेन यहाँ से एंड पॉइंट ले लेंगे हम, ये वाला एंड पॉइंट आ जाएगा, ये वाला एंड पॉइंट आ जाएगा, और इसका ये वाला एंड पॉइंट आ जाएगा। इनको हम ज्वाइन कर लेंगे और रिवॉल्व कर लेंगे, ये एंटर,
select these objects, enter again, select these objects और इनको हम अभी रिवॉल्व कर लेंगे. सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर, 0.0, 0.10. ठीक है, सो इसे हम कंसेप्चुअल व्यू में आके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सिलेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से आपके पास ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा. सो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था ये वाला, इसमें हम सभी पार्ट्स असेंबल करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ये वाला प्लेन ऑन कर लेते हैं और इसे एक्स वाई प्लेन पे फिक्स कर देते हैं ताकि इसी प्लेन के अकॉर्डिंग सभी असेंबल होते जाएं. सो ये बेयरिंग असेंबल होगा सबसे पहले. कंट्रोल ए सी, सिलेक्ट वी और ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास. इसे हम रोटेट कर लेंगे क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये इसके साथ असेंबल होगा. सो मुझे वो डाउनवर्ड साइड चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे हम इसे 3D रोटेट कर लेते हैं. आरओ एंटर, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर. सो इसको कौन सी एक्सिस के थ्रू मुझे रोटेट करना है, मुझे ये वाली एक्सिस के थ्रू इसे रोटेट करना है 180 डिग्री. 180 डिग्री इसे रोटेट करेंगे बिकॉज मुझे वो डाउनवर्ड साइड चाहिए. सो इस तरह से आपके पास ये रोटेट हो जाएगा. इसे आप चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं. ओके, देन अब इसमें क्या करेंगे, हम अगेन मूव करेंगे. बहुत सिंपल है, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द सेंटर ऑफ दिस. ये देखिए सेंटर आ रहा है. नेक्स्ट सेंटर किसका पिक करना है अभी मुझे, सेंटर ऑफ दिस पार्ट. गो टू द 2D वायर फ्रेम. सो इजिली आपको विजिबल हो जाएगा वो सेंटर पॉइंट. अभी क्या करेंगे, मूव करेंगे, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर एंड सिलेक्ट द सेंटर ऑफ दिस पार्ट. सो इसका सेंटर हम पिक करेंगे. ये देखिए सेंटर आ रहा है इसका. अब इसे यहाँ पे मूव करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का मुझे सेंटर चाहिए. सो यहाँ से हम अगेन सेंटर पिक कर लेंगे. ये मेरे पास सेंटर आ रहा है. ये देखिए ये हमारे पास असेंबल हो गया. हम इसे कंसेप्चुअल व्यू में देख लेते हैं. देखिए अभी ये गलत आया. ठीक है, सो इसको क्या करेंगे, अभी हम रोटेट कर लेंगे अगेन. ठीक है, 90 डिग्री पे इसे रोटेट कर लेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा. मेरे को इस डायरेक्शन में चाहिए था ये बेयरिंग. ये मेरा गलत डायरेक्शन में असेंबल हुआ है. सो मैं इसे क्या करूंगा, 3D रोटेट कर लूंगा. सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट और किस एक्सिस के थ्रू, इस एक्सिस के थ्रू 90 डिग्री पे से रोटेट कर लेते हैं और इस तरह से मेरा ये बेयरिंग असेंबल हो गया. ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे ना, अब मेरी कैप आएगी. तो कैप देख लेते हैं. जैसे मेरे पास कैप आ रही है, कंट्रोल ए सी, सिलेक्ट द टॉप प्लेन एंड कंट्रोल वी. सो इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ. सो अगेन मूव, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और पिक द सेंटर एंड अगेन पिक द सेंटर ऑफ दिस पार्ट. ये देखो, सो ये अब इसके साथ असेंबल हो गया. तो बिल्कुल सही असेंबल हुआ है. ये फेस यहाँ तक आना चाहिए आपका, अलग से पार्ट दिखना चाहिए. ठीक है, सो ये बिल्कुल सही असेंबल हो रहा है. नेक्स्ट आप इसको चाहे तो इरेज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट अब हमारे पास कौन सा पार्ट आ रहा है, बेरिंग हमने कर लिया है. अब हमारे पास बोल्ट आ रहा है. कंट्रोल ए सी एंड अगेन सिलेक्ट द टॉप लाइन, कंट्रोल वी, सिलेक्ट. ओके, सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे क्या है, देखिए ये मेरा एक एंगल पे रोटेट हुआ पड़ा है. मुझे ये स्ट्रेट चाहिए, इसके पैरेलल चाहिए. तो मुझे इसे रोटेट करना पड़ेगा पहले. ठीक है, तो मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ. अगेन गो टू द टॉप लाइन, रोटेट कर लेंगे इसे. तो मैं इसको हल्का सा रोटेट कर लेता हूँ. तो अभी 3D रोटेट करेंगे इसको. सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर. कौन सी एक्सिस के थ्रू मुझे रोटेट करना है, इस एक्सिस के थ्रू, एंगल 45 डिग्री. तो अभी देखते हैं पैरेलल हुआ कि नहीं. देखिए ये पैरेलल आ चुके इसके. तो फ्रेंड्स अभी मुझे इसे रोटेट करना है बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल है. तो मुझे इसे वर्टिकल बनाना है. तो 3D रोटेट, सिलेक्ट एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस है. सो मुझे कौन सी एक्सिस के थ्रू रोटेट करना है, इस एक्सिस के थ्रू रोटेट करना है और इस डायरेक्शन में रोटेट करना है 90 डिग्री पे. सो आपका अगर ऑर्थोगोनल रहेगा तो परपेंडिकुलर अपने आप पिक कर लेगा. ओके, सो आपको डायरेक्शन ही पिक करनी है, एंगल पिक करने की जरूरत नहीं है. सो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा. देन आपने क्या करना है, अभी इसे असेंबल करना है. सिलेक्ट मूव, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर एंड पिक द सेंटर ऑफ दिस एरिया. सो इसका सेंटर पिक करेंगे. अगेन हम किसके साथ असेंबल करेंगे इसे, या तो इसके साथ कर लीजिए या तो इसके साथ कर लीजिए.
एक ही बात है, बाद में हम इसे मिरर कर देंगे। सो पिक द सेंटर ऑफ दिस एरिया। सो आप देख सकते हैं ये मेरा असेंबल हो गया, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, बोल्ट मेरा हो गया, अब मुझे ये वाला नट असेंबल करना है। सो कंट्रोल ए कॉपी, सिलेक्ट द ड्राइंग एंड सिलेक्ट द टॉप प्लेन, कंट्रोल वी, ये मेरा पार्ट आ गया। अब इसे भी रोटेट कर लेंगे बिकॉज मेरे को हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये वर्टिकल है। पिक द ऑब्जेक्ट एंटर, और कौन सी एक्सिस के थ्रू मुझे रोटेट करना है, इस एक्सिस के थ्रू इन द एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट जो है रोटेट हो जाएगा। नाउ अब मुझे क्या करना है, इसको असेंबल करना है। सो मूव, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर एंड पिक द सेंटर ऑफ इट्स बेस। सो इसके बेस का सेंटर हमें पिक करना है इस तरह से। देन हमारे पास इसका सेंटर आएगा, तो इसके बेस से हमें सेंटर पिक करना है अगेन। सो यहाँ पे हमारा ये सेंटर आ जाएगा, तो आप देख सकते हो ये हमारा असेंबल हो गया है। देन हम लास्ट हमें अगेन एक बोल्ट है हमारे पास, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और इस ड्राइंग के अंदर प्लेस कर लेते हैं। सिलेक्ट द टॉप व्यू, कंट्रोल वी, सिलेक्ट, इसे आप इरेज कर सकते हो। सो अब इसे हम 3D रोटेट करेंगे। सो 3D RO एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर, और किस एक्सिस के थ्रू रोटेट करना है, इस एक्सिस के थ्रू विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो इस तरह से आपका ये पार्ट रोटेट हो जाएगा। नाउ मूव, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर, और अब इसे इसका बेस का सेंटर हमें पिक करना है। शिफ्ट सेंटर, पिक द सेंटर एंड पिक द सेंटर ऑफ दिस बेस। ये हमारा सेंटर आ रहा है और इस तरह से हमारे पास ये भी असेंबल हो जाएगा। नो अब मुझे क्या करना है, अब इसे मिरर करना है, ठीक है। तो मिरर करने के लिए अभी मेरा ओरिजिन जो है बिल्कुल सेंटर पे है, तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है मिरर करने के लिए। और अगर आपने ओरिजिन आके पीछे कर दिया या ओरिजिन आपको मूव करके कहीं पे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, काफी टाइम लगेगा आपको, ठीक है। सो बहुत ही इजी मेथड है इसका। सो मेक श्योर कि आपका ओरिजिन सेंटर पे रहे, चाहे आप जिस भी सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं उसमें आपको, अगर आप सेंटर से बनाओगे, मिड प्लेन से बनाओगे, तो बहुत ही इजी आप ड्रॉइंग्स बना सकते हो, असेंबल कर सकते हो। ओके, सो नाउ वो प्लेन पूछ रहा है। सो प्लेन किस तरह से आएगा मेरे पास, ZY प्लेन आ रहा है, तो ZY प्लेन यहाँ पे पिक कर लेते हैं। देन पूछ रहे हैं सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट मेरा यही आ रहा है, इसी के थ्रू मुझे मिरर करना है, एंटर कर देंगे, तो इस तरह से आपके पास ये पार्ट भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपकी ये असेंबली कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, मटेरियल देंगे। तो विजुअलाइज में चले जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है देखिए मटेरियल ब्राउजर, और हमारे पास क्या आ रहा है, मटेरियल टेक्सचर, और हमारे पास क्या आ रहा है, प्लेनर। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मटेरियल ब्राउजर में चले जाएंगे। सो मटेरियल ब्राउजर में देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ऑटोडेस्क की लाइब्रेरी आ रही है। सो आप कोई सा भी मटेरियल यहाँ पे पिक कर सकते हैं, जैसे हमारे पास प्लानिंग बनती है, जैसे हमारे पास फ्लोर प्लान्स बनते हैं, तो उसमें कंक्रीट भी आ जाता है, फैब्रिक भी आ जाता है, फ्लोरिंग भी आ जाती है, ग्लास भी आ जाता है। सो इस तरह का अगर आप कुछ भी बना रहे हो, जो भी आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो मुझे मेटल चाहिए, तो मैं मेटल सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे तीन ऑप्शंस आ रही हैं, एल्यूमिनियम, फैब्रिकेटेड और स्टील। तो मैं यहाँ पे स्टील पिक कर लेता हूँ बिकॉज मेरा कास्ट स्टील था मटेरियल। ओके, सो कास्ट स्टील मटेरियल यहाँ पे पिक कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सेकंड लास्ट में आ रहा है मेरे पास स्टील कास्ट, तो ये वाला मटेरियल हमें पिक करना पड़ेगा। सो इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे, देखिए माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए, इसे पिक कीजिए और यहाँ पे ड्रैग करके इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने मटेरियल अप्लाई किया, देखिए यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा, मेरा कलर वैसा का वैसा ही है, ना तो कलर चेंज हुआ ना तो कुछ और चेंज हुआ, मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मटेरियल अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे इसे क्रॉस कर देता हूँ विंडो को। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, मटेरियल टेक्सचर। सो मटेरियल टेक्सचर यहाँ पे ऑफ है, मुझे क्या करना है, मटेरियल टेक्सचर ऑन करना है यहाँ पे। सो जैसे आप ऑन करोगे, इस तरह से आपके पास ये मटेरियल आ जाएगा, देखिए आपने अप्लाई किया, यहाँ पे आ गया। एक और चीज है, अगर आप यहाँ पे सेकंड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो इसका सेमी फिनिश्ड कलर आएगा, और अगर आप ओरिजिनल कलर चाहिए तो थर्ड ऑप्शन आप पिक कर सकते हो।
ठीक है, तो मैं इसी ऑप्शन पे रहता हूँ अभी। दोबारा मैं मटेरियल ब्राउजर पे जाता हूँ और स्टील कास्ट को पिक करता हूँ और अगेन यहाँ पे ड्रॉप करके इसे यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मटेरियल को, अगेन स्टील कास्ट, और मेरा बोल्ट भी आ जाएगा। इस तरह से आप सभी को मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे बेयरिंग रह गया अभी, सो बेयरिंग को भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके पास ये मटेरियल भी अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने रेंडर निकालना था, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, रेंडर टू साइज। सो यहाँ पे जो जिस भी साइज का आप रेंडर निकालना चाहते हो उसके यहाँ पे फॉर्मेट्स दे रखे हैं, उसके साइजेस दे रखे हैं। जैसे एचडी टीवी का अगर आपने फॉर्मेट लेना है तो नॉर्मली इस साइज में आते हैं, या फिर हमारे पास फुल एचडी टीवी इसमें आते हैं, जो आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हो इसी फॉर्मेट में होती हैं, इसी साइज में होती हैं। ओके, सो आप कोई सा भी साइज पिक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यही वाला साइज पिक कर ले रहा हूँ। सो आप यहाँ पे जैसे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ रेंडर बता रहा है कि आपको किस क्वालिटी का रेंडर निकालना है। लो क्वालिटी का चाहिए, मीडियम क्वालिटी का चाहिए, हाई क्वालिटी का चाहिए, कॉफी ब्रेक, मतलब ये काफी टाइम तक चलेगा। ये दिखा भी रहा है, देखिए, रेंडर्स फॉर 10 मिनट्स, इसके बाद लंच क्वालिटी रेंडर फॉर 60 मिनट्स, मतलब कि 1 घंटे तक चलेगा। ओवरनाइट 12 आवर्स तक रेंडर चलेगा इसका, और मैनेज रेंडर, मतलब यहाँ पे चले जाओगे तो आप इसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ पे टाइम वगैरह सब कुछ मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका लेवल इंक्रीज कर सकते हो आप यहाँ से, रेंडर बाय लेवल, हाई लेवल चाहिए मुझे, तो इस तरह से भी आप यहाँ से, और यहाँ से इसका साइज भी पिक कर सकते हो, मुझे इस साइज का चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से आप यहाँ से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपने क्या करना है, रेंडर इन क्लाउड में नहीं जाना आपने, रेंडर गैलरी में भी नहीं जाना, आपने क्या करना है, ओनली रेंडर टू द साइज यहाँ पे क्लिक करना है, आपका रेंडर जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए विंडो आ गई आपके पास रेंडर की, तो इस तरह से आपके पास ये रेंडर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सो मैंने अभी यहाँ पे मीडियम कॉफी ब्रेक लगाया तो 10 मिनट्स तक चलेगा मेरा ये। ठीक है, तो इसका रेंडर निकलता है, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से फाइनल रेंडर इमेज इसकी आती है। ओके, सो फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास ये रेंडर इमेज आ जाएगी। आप इस तरह से किसी भी क्वालिटी का रेंडर निकाल सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। इसे ट्राई कीजिए, काफी अच्छे अच्छे रेंडर्स निकल जाते हैं इसमें, हाई क्वालिटी के रेंडर्स निकालिए। और आज मैं इसमें आपको टास्क भी देके जा रहा हूँ एंड में कि आपने इसको कंप्लीट करना है विद इन लेस टाइम। आपने यहाँ पे टाइम भी नोट करना है कि हाँ कितने टाइम में आपने इसे असेंबल किया, कितने टाइम में आपने इसे बनाया है। ठीक है, बनाने के बाद इसमें मटेरियल अप्लाई करना है और मटेरियल अप्लाई करने के बाद इसका रेंडर भी निकालना है हाई क्वालिटी का। ओके, सो ये आपका एक टास्क है, आपने ये कंप्लीट करना है। सो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल दी होगी, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया होगा, सो वहां से मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं और मुझे ये टास्क को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।